श्री राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपने त्यौहार अच्छे से मनाया होगा, फैमिली में हैप्पी हैप्पीनेस की होगी। तो चलिए, तो जितने भी ये मैसेज उनके लिए है, जितने भी हमारे सोल फैमिली चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जिन जिन तक ये वीडियो जाती हैं, जो हमारे वीडियोस को देखते हैं बराबर और लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी करते हैं, उन सभी के लिए ठीक है। और जो नहीं करते उनके लिए भी है यार, क्योंकि डिवाइन जिनको मैसेज देना होता है वो वहाँ तक पहुँचा ही देते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे सवाल हैं मेरे व्यूवर्स के और सब्सक्राइबर्स के, कमेंट में भी आते हैं और पर्सनली मुझे मैसेज भी करते हैं मेरे जितने भी ग्रुप्स में हैं, सभी जिनकी ट्विन फ्लेम की मैं कोचिंग उन लोगों को दे रही हूँ, कैसे कैसे क्या करना है, किस तरह की उन लोगों को अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ाना है, सेपरेशन में है तो उनको सेपरेशन में क्या क्या करना चाहिए, तो उन सब के लिए भी है। तो काफ़ी सारे जितने भी हैं उन सभी का जो यूनियन भी हुआ है और आई एम हैप्पी, बहुत खुश हूँ कि भी गाइडेंस यूनिवर्स ने मेरे ज़रिए उनको दिया और उनका यूनियन सफल हुआ, ठीक है। और तो आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा 24 देख रहे हो इस टाइम, 24 भी देख रहे हो और 11 भी देख रहे हैं आप, 10 भी देख रहे हैं और 444 भी देख रहे हैं, है ना। तो देखिए, एंजल्स नंबर दिखाने का क्या मतलब होता है, आप लोग वरीड हो जाते हो, मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हो, कमेंट भी करते हो कि मैम मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, ये देखा, मैंने 999 देखा, मैंने 111 देखा, 111 देखा, 1010 देखा, मैम मैं 666 देख रही हूँ, मैम मैं 888 देख रही हूँ, 775 देख रही हूँ, 7775 देख रही हूँ। तो मेरे यार, उसको देख के थैंक यू कहना ही का काम नहीं है आप लोगों का। कई एंजल्स नंबर आपको ये बता रहे होते हैं कि भाई आपको ट्रांसफॉर्म होना है, जिस एनर्जी, जिस एक यूं समझ लो कि आप जिस एनर्जी में इस समय चल रहे हो, तुरंत आपको एंजल्स नंबर दिखा रहे हैं आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं बदलने के लिए डिवाइन बोल रहे हो, आप अपने में बदलाव कीजिए, ठीक है। तो इसको आज हम मैं आप लोगों को डिकोड करना बताती हूँ कि हम कैसे एंजल्स नंबर को डिकोड करते हैं, ताकि आप लोग खुद भी समझ पाएं और जान पाएं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो सपोज़ करिए कि हमारा जो है रिलेशन सेपरेशन में चल रहा है, राइट। तो सेपरेशन के दौरान, जैसे कि स्टार्टिंग सेपरेशन होता है, किसी का मंथ भी हो जाता है, किसी का महीने भी, मतलब 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने, और आपको बराबर एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, 1010 दिख रहा है, 444 दिख रहा है और 111 दिख रहा है, तो ये आपका आपको एक दिलासा दे रहे होते हैं कि भाई आपका यूनियन होगा, यूनियन होगा, यूनियन में कोई रोकने वाला नहीं है, आज हो, 10 साल बाद हो, चाहे 2 दिन बाद हो, ठीक है। बट आपको उस टाइम जो है एंजल्स ये बता रहे होते हैं कि आपको अपने ऊपर काम करना है, खुद पे काम करना है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक भूल जाओ, ठीक है। अब दूसरा ये कि भी हम खुद पे क्या काम करें, ये आता है सवाल मन में। आपको अपने रिलेशन को लेके अपने खुद को दुखी नहीं रखना है, आपके थॉट्स को नेगेटिव नहीं होने देना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होने देना बिल्कुल भी। दूसरी बात ये कि आप अपने जो भी माइंड में आपके हैं सेपरेशन को लेकर, चाहे दुख या गिल्ट, जो भी एनीवे जो भी चीज़ें हैं, उन सबको साइड करके आप अपने फैमिली के ऊपर देखिए, फैमिली मेंबर में और भी लोग हैं, एक टीएम ही तो नहीं है, है ना, तो उन पर ध्यान देना है। और दूसरा ये कि अपने थॉट्स को पकड़ो, अगर आपको एंजल्स नंबर पकड़ना है तो उसके थॉट्स को पकड़ना होगा आपको। कैसे पकड़ सकते हो, सपोज कीजिए कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने उसको भर भर के मन में न जाने क्या कोस भी दिया,
अनाप शनाप बैंड दिया, कुछ भी बैंड से चले गए, बैंड से चले गए, बैंड से चले गए, तो आपको तुरंत तुरंत आपको उस समय कोई एंजल्स नंबर दिख रहा है किसी भी प्रकार का, तो आपको उस समय एंजल्स ये भी कह रहे होते हैं कि आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपका यूनियन है, ये जो भी है आपके सोल मिशन में है, रास्ते से गुजर कर आपका मंजिल पार करनी है, ठीक है। तो अगर आपको उसी समय 10 दिखता है, अगर आप नेगेटिव थॉट पे हो और 10 दिखता है, तो आपको एंजल्स कहते हैं कि आपका यूनियन होगा, आप परेशान मत। अगर 333 दिखता है, 333 में आपको जो है अपने क्लियर कट कॉम्बिनेशन करने की ज़रूरत होती है, आप जाएं पर्सन से बात कीजिए, अगर आप किसी भी वे में हो, अगर आप किसी भी वे में कमिटमेंट को लेके इशू है, थर्ड पार्टी को लेके इशू है, तो अगर 333 आपको दिख रहे हैं तो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि चाहिए आपका कनेक्शन का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप बात कीजिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। अगर आपका जो है माइंड बहुत ही ज़्यादा ही किसी बिजनेस के काम को लेकर आप जाना चाहते हो, आपके मन में डर है कि पता नहीं मैं इस काम को स्टार्ट करूं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं डाउन हो जाऊं, मेरा काम ख़राब हो जाए, और नहीं भी होगा क्या करूं, करूं कि नहीं करूं, अगर इस सिचुएशन में आपको 11 दिखता है तो यकीन मानिए यूनिवर्स एंजल्स आपसे ये कह रहे होते कि आप डरो नहीं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, यही रास्ते से गुजर के आपको अवंडेंस मिलेगी, अपॉर्चुनिटी हासिल होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्या एंजल्स नंबर सिर्फ ट्विन फ्लेम को ही दिखते हैं? नहीं, एंजल्स नंबर उन्हें भी दिखते हैं जो सोल मिशन में होते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, जो जिनका कुछ ना कुछ यूनिवर्स के साथ एक होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, वो होते हैं। कुछ सोल ऐसे भी होते हैं जो बिना ट्विन फ्लेम, बिना सोलमेट के अपनी लाइफ पाथ डिवाइन उनको लेके जाते हैं। अगर आप कहीं अकेले हैं, आपका ना तो कोई सोलमेट है, ना ही कोई ट्विन फ्लेम है, आपके हर रिलेशन ख़राब है, तो आपको वहाँ पे खुद को लेट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, लेट डाउन बिल्कुल ना करिए। सही समय पे आपको ज़रूरत को पूरा कर दिया जाएगा, डिवाइन आपको एंजल्स नंबर दिखा दिखा कर बार बार यही आपको दिलासा दे रहे होते हैं, आगे बढ़ने के लिए आपको बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप आई होप कि आप डिकोड कर पाएँ आगे से, आप परेशान ना हो, वर्डिट ना हो, बहुत सारे हमारे चैनल स्पिरिचुअल चैनल हैं जो इस सोल मिशन पे आप लोगों को जानकारी देते हैं, एंजल्स नंबर पे जानकारी देते हैं, तो आप घबराएं नहीं। आपको जब भी आगे से अगर आपको दिखाई देता है एंजल्स नंबर, तो आप उसी समय थॉट को पकड़ें कि आपके दिमाग में, माइंड में क्या चल रहा था जो मुझे ये एंजल्स नंबर दिख रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि भी हमें क्या करना चाहिए, तुरंत के तुरंत उसी समय डिकोड करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, कई व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके सवाल रहते हैं कि मुझे तो बहुत दिन हो गए, मुझे तो बहुत महीने हो गए हैं, मैंने एंजल्स नंबर भरमार देख लिया है, बटरफ्लाई देख लिया है, और मतलब साइन बहुत देखते हैं, पर हमारे जीवन में बदलाव नहीं होते। तो देखिए, अगर जब तक आप एंजल्स नंबर को डिकोड करके अपने लाइफ में वो एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आपको एंजल्स नंबर दिखते ही रहेंगे और आपका जीवन नैया चलता ही रहेगा और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। एंजल्स नंबर आपको दिखते हैं तो उनको गाइडेंस लेके अपनी लाइफ में उसको करना भी पड़ता है, तभी आपका यूनियन होता है, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ना तो मैं बढ़ा पाऊँगी, ना कोई और बढ़ा पाएगा, ना कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजी पढ़ा पाएगा, बढ़ना तो आपको ही है, चलना तो आपको ही है, सीख तो लेनी आपको ही है, ठीक है। तो आप लोग जो है डिकोड करना सीखें, और जिनको नहीं दिखता है एंजल्स नंबर,
उनके लिए एक मैसेज कि आप इन सब चीज़ों को मजाक ना बनाएं, धरती पे सब कुछ है। आप जितना सोच रहे हो कि इतना ही है, यहीं तक है, सीमित है, तो सीमित नहीं है मेरी जान, बहुत कुछ है। तो चलिए देख लेते हैं इसी के साथ में कि अभी अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं और आप इस चैनल मैसेज को देख रहे हो, तो देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहते हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिलेशन के फ्यूचर को लेकर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप अभी देख रहे हैं तो ठीक है। वाह, प्रपोजल आ रहा है आपके पास। आपके पास एक ऐसा डिवाइन कनेक्शन है जो देखिए डिवाइन परी, ठीक है, यानी कि एंजल्स। तो आपके पास एक ऐसा कनेक्शन है जिस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। आपको अपने अंदर, खुद के अंदर ही उस प्यार को अभी इस समय ढूंढने की ज़रूरत है। पहले अपने अंदर के, अपने सोल से प्यार करना करें, तभी आपको सामने वाला पर्सन आपको समझेगा। देखिए कैसे है ये कार्ड देख रहे हैं कैसे है ये डिवाइन, कैसे अपने कप को निहार रहे हैं, है ना। और एक हाथ जो चेस्ट पे है, जहाँ एक ज्योति ज्योति प्रज्वलित हो रही है, ठीक है ना, हीरे जैसा चमक हो रहा है। तो इसको ध्यान से देखिए क्या है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। तो ये बहुत मासूमियत, बहुत मुस्कुराहट और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने कप को निहार रहे हैं। तो आपके लिए एंजल्स अगर आपको इस समय नंबर दिख रहा है, तो आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। और आपके पास, आपके पीछे जो है एंजल्स हैं, आपके पीछे एंजल्स हैं, आपको टेंशन लेने की, किसी बात की, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा देखिए, अगला देखते हैं, इसके साथ साथ एक कार्ड और देख लेते हैं। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ठीक है। एंजल्स आप लोगों को पूरा देख रहे हो, ऊपर रोशनी, यानी कि आप इस समय आपको थॉट चक्रा, यानी कि आपको अपनी इंट्यूशन को भी जानने की ज़रूरत है। इंट्यूशन से भी आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज हो सकती है, सोचने की, समझने की, पूर्वाभास होने की, आपको कुछ पहले ही आभास हो जाता होगा, ठीक है। तो इस तरह की मैसेज दे रहे हैं आपको डिवाइन। अगला देख लेते हैं और देखते हैं, अगर हमारे व्यूअर्स ये समझ पाए तो आगे उनके रिलेशन में क्या होगा। रास्ते खुलेंगे आपके, जो रास्ता है, रास्ता खुलेगा, आपका पर्सन या आप खुद इस रिलेशन को आगे एक करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अगर आपने खुद पे काम किया, एक बैलेंस आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। एंजल्स ने आपको ये मैसेज दिया है, इस मैसेज पे आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ बैलेंस होगी, ठीक है। आपके पर्सन जो है आपके टूवर्ड आते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपका मैनिफेस्ट, अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो उस पर सोचना बंद कीजिए, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा होगा, फास्ट काम कर रहे हैं, करेगा आपका मैनिफेस्ट। उसे करते रहिए, अपने आप में एक सोच में मत डालिए कि होगा या नहीं होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलिए। और हाँ, ये जो भी झूठ सच है, आपके पर्सन यदि आपसे थर्ड पार्टी में गए हैं, या थर्ड पार्टी में फंसे हैं, या किसी भी चीज़ में गए हैं, आपको एक बैक स्टेप देकर, तो वो लौटेगा, ठीक है, वो लौटेगा। और आप एक स्ट्रेंथ गैदर करते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि आप अपने आप में, आपको एक दिव्य शक्ति प्रकाश कहो, या फिर एक ताकत मिल जाएगी जिससे कि आप अपने आप से लड़ पाएँ, सामने वाले से लड़ पाएँ, और ये कमिटमेंट। गाइस, रास्ता भी है, मंजिल भी है, दिख भी रहा है, और डिवाइन हमें लेके भी जा रहे हैं, तो चलने में क्या डर है, चलिए। सबको तो एक ही सोल मिशन दिया हुआ है, जितने भी ट्विन फ्लेम। तो गाइस, आप लोग प्लीज़
जरूर से जरूर एंजल्स नंबर्स पे ध्यान दीजिए और बड़े परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। और वाओ वहाँ पे आपके देखिए बॉटम डेक में सुपर अभी क्वीन थी और अब हमारे किंग भी आ गए, यानी कि और हैप्पी फैमिली भी आ गई, यानी कि एंजल्स आपको हर समय दे रहे होते हैं, हर वक्त दे रहे हैं, आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं। इसको समझो, डिवाइन कनेक्शन है, टूटेगा नहीं, ठीक है। और मिलने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप लोग तो एक ही हो, है ना। तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने सोल पर्पस पे काम करना स्टार्ट कीजिए जल्दी जल्दी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस वीडियो से गाइडेंस मिली है या नहीं मिली है। अगर आप लोग मुझे कमिटमेंट बता पाए तो मैं ऐसे ही वीडियो पे, अगर आप लोग कमिटमेंट में कि मैम मुझे ये एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, तो मैं उन एंजल्स नंबर पर भी आपको आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। पर बट मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपको ये वीडियो गाइड कर पाया, इससे आपको थोड़े बहुत हेल्प मिली, तो मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए श्री राधे राधे।